हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी कुछ ही दिन पहले मोटोरोला ने अपना मोटो G31 धमाकेदार स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करा था। काफी तगड़ा स्मार्टफोन है 13,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। अब बताया जा रहा है फाइनली मोटोरोला यही सीरीज में जो है इसका अपग्रेडेड 5G वेरियंट जो है इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। इसका नाम रहने वाला है यहाँ पर मोटो G71 5G। फाइनली इसके इंडिया लॉन्च को लेकर कुछ कन्फर्मेशन बाहर आ चुके हैं। क्या कुछ आपको एग्जैक्टली में स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पे आ सकता है, सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3,000 लाइक्स का। आई होप कि आप अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर मोटो G71 5G के इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो फाइनली यहाँ पर ये मॉडल जो है इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च कंफर्म है एंड बहुत ही जल्दी आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलने वाला है। पकड़ के चलो कि मिड दिसंबर से एंड दिसंबर, मतलब लास्ट की दो वीक जो दिसंबर की है, उसी में ही आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख सकता है। स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन इंडिया वाले वेरियंट के मैं यहाँ पर को बता देता हूं। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें तो बैक में अगेन आपको टिपिकल मोटोरोला वाला डिजाइन देखने को मिलता है। ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप है, मोटोरोला की ब्रांडिंग है, तो फोन दिखने में टिपिकल मोटोरोला वाला है। एंड बैक अगेन यहां पर आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको 6.4 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी बढ़िया बात है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल सकता है, 628 और 8128। साथ ही में यहां पर बताया जा रहा है आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हैं स्मार्टफोन का हाइलाइटिंग फीचर रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 695 वाला एक 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। पावरफुल तो है ही, 5G भी है एंड पावर एफिशिएंट भी है, तो परफॉर्मेंस भी मिलेगी एंड 5G का सपोर्ट भी यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलेगा, 50MP का प्राइमरी सेंसर है, देन 8MP का कैमरा है, देन 2MP का मैक्रो कैमरा है, जबकि सेल्फी कैमरा यहां पर आपको 16MP का देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिलेगा एंड वही क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड यहां पर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो नो एड्स, नो ब्लोटवेयर, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहां पर आपका काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही में सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग बैक साइड में यहां पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर भी है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में एंड 30W का मोटोरोला का टर्बो चार्जर बहुत ही फास्ट होता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये पूरे कंफर्म स्पेसिफिकेशन आपको अपकमिंग मोटो G71 5G स्मार्टफोन पे इंडिया वाले वेरियंट में देखने को मिलने वाले है। अब बात कर लेते हैं भाई क्या प्राइस पॉइंट पे स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। तो ऑलरेडी ये यूरोपियन मार्केट्स में यहां पर लॉन्च कराया जा चुका है, ये 300 यूरो में वहां पर इसका बेस वेरिएंट बिकता है। इंडियन प्राइस पॉइंट में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 25,000 रुपीज होता है, लेकिन हमने मोटो G31 एंड मोटो G40 फ्यूजन वगैरह के साथ में ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं मोटोरोला यूरोप की प्राइस पॉइंट बहुत यहां पर रहती है, इंडिया की प्राइस पॉइंट यहां पर रहती है। तो जो 25,000 रुपए का स्मार्टफोन है, लीक्स के अगर माने तो बताया जा रहा है इसका जो बेस वेरिएंट है अराउंड आपको 18,000 या 18,000 रुपीज के आसपास ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एंड वो प्राइस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो आज की रेट में 17-18,000 रुपए की रेंज में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ब्रांड आपको AMOLED प्लस 5G प्रोवाइड करा रहे इंडिया में, वो भी स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ में। तो ये यहां पर आप बोल सकते हो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट रह सकता है। तो अगर आप ऐसे यूजर हो तो आपको 5G भी चाहिए प्लस AMOLED भी चाहिए एंड बाकी के भी स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह के फीचर चाहिए, तो डेफिनेटली आप ये स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च का वेट कर सकते हैं। बताया जा रहा है दिसंबर के मिड से एंड तक के ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। कैसा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मोटो G71 5G आप ओवरऑल आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह कैसे लगे एंड ये स्मार्टफोन अगर 18,000 रुपए की रेंज में आता है 698 वाला वेरिएंट तो आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।